अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे टमाटर की दाल और अचारी मटन फ्राई। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बना लेंगे टमाटर की दाल। प्रेशर कुकर में तुअर की दाल ऐड कर लेंगे। ये है 250 ग्राम तुअर की दाल। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून, और यह है 1 किलो टमाटर और 6 हरी मिर्च। तो टमाटर को हम इस तरह से काट कर रख लेंगे। हरी मिर्च और टमाटर अब हम प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। दो ग्लास पानी ऐड करेंगे। अब अच्छे से मिला लेंगे। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और इसके बाद में फ्लेम ऑन करके इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे 4 से 5 सीटी होने तक मीडियम हीट पे। चार से पांच सीटी हो जाने के बाद में हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल लेंगे। अब ये दाल अच्छे से गल गई। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर, करी पत्ता, 3 से 4 हरी मिर्च, नमक ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून। तो नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर ले सकते हैं। अब हम इसको मैश कर लेंगे। अब ये दाल अच्छे से मैश हो गई। तो अब हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आधी ग्लास पानी ऐड करेंगे। तो पानी आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर ले सकते। अच्छे से मिला लेंगे और अब हम फिर से फ्लेम ऑन करके इसको 5 मिनट के लिए मीडियम हीट पे पका लेंगे। और 5 मिनट तक इसको पका लेने के बाद में अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। ये दाल पक गई। दाल पक जाने के बाद में अब हम इसको बघार लेंगे। दाल को बघारने के लिए अब हम पैन को गरम कर लेंगे और इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। और बघार के लिए लेंगे हम राई, ज़ीरा, करी पत्ता, लहसुन और लाल सूखी मिर्च। तो सबसे पहले हम लहसुन ऐड कर लेंगे। अब राई ज़ीरा ऐड कर लेंगे। करी पत्ता और लाल सूखी मिर्च भी ऐड कर लेंगे और इसके बाद में अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। अब ये बघार बिल्कुल रेडी है। दाल को बघा लेंगे अब हम। अब ये टमाटर की दाल बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। टमाटर की दाल बनके तैयार हो जाने के बाद में अब हम अचारी मटन फ्राई बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम अचार का मसाला बना के तैयार कर लेंगे। अचार के मसाले के लिए लेंगे हम कलौंजी 1 टीस्पून, मेथी के दाने 1 टीस्पून, राई 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 2 टेबलस्पून, धनिया 2 टेबलस्पून। तो चलिए अब हम ये सारे मसालों को एक साथ में भून लेंगे। तो इसके लिए अब हम एक पैन को गरम कर लेंगे और इसके बाद में ये सारे मसालों को एक जगह करके हल्का सा भून लेंगे। मसालों को भूनेंगे हम लो हीट पे। अब ये अच्छे से भुने गया तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। हल्का सा भून लेना है बस, ज़्यादा नहीं भुनेंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे।
तो ये देखिए अचार का मसाला बिल्कुल रेडी है। और ये जो अचार का मसाला है इसको ज़्यादा दिन तक भी हम स्टोर करके रख सकते। अचार का मसाला तैयार कर लेने के बाद में अब हम मटन को गला लेंगे। ये है 1 किलो बोनलेस मटन, तो इसको हमने प्रेशर कुकर में ऐड करके रख लिया है। 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तीन टेबलस्पून लाल मिर्च, नमक ऐड कर लेंगे 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 1 कप पानी ऐड कर लेंगे। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। अब अच्छे से बराबर मिला लेने के बाद में अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे। फ्लेम ऑन करके अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम हीट पे 10 सीटी होने तक। मटन को अच्छे से गला लेंगे। 10 सीटी हो जाने के बाद में हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसके बाद में प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल लेंगे। अब हम मटन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्रेशर कुकर के अंदर ही, इस तरह से 10 मिनट के लिए मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे इसको। मिर्ची का कलर हल्का सा चेंज होने तक हमको ये फ्राई कर लेना है। मटन को 10 मिनट तक फ्राई कर लेने के बाद में अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। अब हम अचार को बगाने के लिए ये सब चीज़ें लेंगे। लहसुन की कलियाँ, राई, ज़ीरा और करी पत्ता, लाल सूखे मिर्च। पैन को गरम कर लेंगे। 250 ml कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। अब हम लहसुन की कलियाँ ऐड कर लेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। लहसुन का जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होगा हम इसके अंदर ऐड करेंगे राई और ज़ीरा। राई ज़ीरा ऐड कर लेने के बाद में भी इसको भी कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे हल्का सा कलर चेंज होने तक। हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। स्लिट्स की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे, 6 हरी मिर्ची है ये। करी पत्ता और लाल सूखी मिर्च भी ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। अब ये बघार बिल्कुल रेडी है। इसी के अंदर अब हम मटन ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। अब अचार का मसाला ऐड कर लेंगे जो वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बना के तैयार कर लिया था। 3 टीस्पून ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दस मिनट के लिए मीडियम हीट पे फ्राई कर लेंगे हम। दस मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद में अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे।
और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद में इसके अंदर नींबू का रस ऐड कर लेंगे। अब अचार बिल्कुल ठंडा रहना ये, इसके बाद में ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे नींबू का रस। 4 नींबू का निकाला हुआ रस है ये। नींबू के बीज वगैरह भी अगर इसके अंदर गिरे तो वो भी हम निकाल लेंगे। और गोश्त ठंडा हो जाने के बाद में ही इसके अंदर नींबू का रस ऐड करना है। अगर गर्म गोश्त में ऐड करेंगे तो ये अचार कड़वा हो जाता। नींबू का रस ऐड कर लेने के बाद में अच्छे से मिला लेंगे इसको, और ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो जाता नींबू का रस ऐड कर लेने के बाद में। अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए अचारी मटन फ्राई। तो इसको सर्व कर सकते प्लेन राइस और रोटी के साथ में, और इसको स्टोर करके रख सकते 1 वीक के लिए। ये दोनों भी चीज़ें बनके तैयार हो जाने के बाद में अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो आप लोग भी ये दोनों रेसिपीज़ को एक साथ में ज़रूर ट्राई करके देखिए। रेसिपीज़ अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।